हरे कृष्ण हरे कृष्ण हो गया चल रहे ओम ज्ञान निरामधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नम महाबदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौर तुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्य श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को यथाजुग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे, श्री चतुसन ने श्री नारद जी को प्रश्न किया है, भगवान राम की कथा श्रवण करके किसकी किसकी कल्याण हुई, किसको किसको कल्याण हुआ, किसको किसको उद्धार हुआ है। इसलिए कथा कल हम लोगों ने एक दो कथा सुनी थी। फिर श्री चतुसन नारद जी को फिर प्रश्न करते हैं, कहते और भी कहीं कथा है क्या जिनको राम कथा सुन करके जिनके आत्मा को कल्याण मिली उद्धार हुई, और कोई उपाख्यान क्या है, अगर हो हमें कृपा करके सुनाने का कष्ट करें। तब श्री नारद जी कहते हैं, महाराज इधर आ जाते, नारद जी कहते हैं, कहते उनकी इतने महिमा, उनकी कथा की क्या महिमा है, उनकी नाम की इतना महिमा, उनकी जिनकी नाम की इतने महिमा है उनका नाम को भी गिनाओ ना, जिसका नाम को भी था नहीं पाओ। इसलिए हमारे श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने एक सुंदर कीर्तन लिखते हैं। कौन सा कीर्तन? कहते हरि नाम तो अनेक स्वरूप, हरि नाम तो अनेक स्वरूप, जसोदनंदन आनंद वर्धन नंद का
नारद जी कहते हैं जिनके नाम कोई गिना करके था नहीं पाया और उनकी तो हरि अनंत हरि कथा अनंत उनकी तो अनंत कथा है। इसलिए कहते भगवत कथा के द्वारा क्या होता है, बोले वाणी पवित्र होता है। क्या होता है? वाणी पवित्र होता है। वही वाणी वाणी है जिस वाणी से भगवान की कथा सुनाया जाए। इसलिए भागवत ने बताया यार बिलो क्रम उरु क्रम विक्रमान, कहते जिस जीवा के द्वारा हम भगवान की नाम और कीर्तन नहीं करते वो जीवा कैसे है। कहते ये जीवा मेढक पाती, मेढक जैसे टटर टटर करता है ना, वो पुरुष मेढक स्त्री मेढक को बुलाता है, बोले तू आ जा तू आ जा तू आ जा, लेकिन बीवी क्या है कि काल आ जाता है, कौन आ जाता है, सर्प आ जाता है। वो देखता है हमें अपना आहार ढूंढने का जरूरत नहीं, मेरे आहार मुझे ही ढूंढ रहा है। वो धीरे 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 सर्प आकर के छत मेढक को पकड़ लेता है, फिर टया 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 करना शुरू कर देता है। इसलिए कहते वही वाणी की सार्थकता है जिस वाणी को द्वारा भगवान की गुणगान की जाए, नहीं तो ये काल रूपी सर्प क्या करेगा, हमें आकर के एक दिन ये ग्रास कर लेगा। ये आकर के हमें एक दिन ये ग्रास कर लेगा। कभी ये वाणी की सार्थकता है, कभी ये समय का भी सार्थकता है, ये समय का भी सार्थकता है। भगवान की कथा से ही अपना समय का सार्थकता होता है। इसलिए भागवत में बताए आयुर हरति वै पुंसा उद्दर अस्तंच जन असौ तस्सरिते जम क्षणम नीत उत्तम श्लोक वार्ता है। उत्तम श्लोक वार्ता है, बोले ये सूरज नहीं, कहते ये सूरज काल है। ये सूरज क्या है, कहते ये काल है। कहते ये पूर्व दिशा में उदय होकर के ये पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है, होने पर क्या करता है, हमारे एक दिन परमायु ये नष्ट कर देता है। कहते ये काल तो सबका समय को नष्ट करता है, लेकिन कहते हैं एक व्यक्ति का समय को नष्ट नहीं कर सकता है। बोले किसका नष्ट नहीं कर सकता है, बोले तस्सरिते जब क्षणम नीत उत्तम श्लोक वर्ताया। कहते जो उत्तम श्लोक जो भगवान है, हैं जिनकी गुणगान उत्तम उत्तम श्लोक से करते हैं, कहते जो उत्तम श्लोक भगवान की कथा में ही जितने समय हमारे नियोग करते हैं, कहते उतना समय ही हमारे बच जाती है और जितने सारे समय हमारी बर्बाद हो गया, सारे समय हमारी नष्ट हो जाती है। इसलिए कहते काल तो काल को तो सब डरते हैं, काल को सब डरते हैं काल को, लेकिन काल किसको डरता है, काल किसको डरता है, दुनिया काल को डरता है लेकिन काल किसको डरता है, बोलो किसको डरता है। यही कहते हैं बोले काल चक्र डराए देखिया विष्णु दास, काल को सब डरते हैं लेकिन काल किसको डरता है, वैष्णव, काल डरता है वैष्णव, विष्णु चक्र डराए देखिए आप विष्णु दास, लेकिन भगवान के भक्तों को देख कर ना ये काल भी डरता है। बोले क्यों, कारण क्या, बोले कारण है कहते मदगता मदगता चिंता पधयते परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हर समय भक्त लोग क्या करते हैं, हरि का नाम हरि का कीर्तन हरि का भजन, भगवान की भजन करते हैं हर समय। करने का वजह से ये काल सभी का परमायु तो हरण कर लेता है, लेकिन जो भगवान का नाम कीर्तन भजन करते काल उससे डरता है, काल उससे डरता है। इसलिए यहाँ पर श्री नारद जी कहते बोले चतुसन ये समय की सही सार्थकता है जब हम ये समय को हम भगवान की कथा में लगाए हैं। इसलिए कहते भगवान की कथा की तभी समय की सार्थकता, जीवा की सार्थकता, वाणी की
सार्थकता सबकी सार्थकता है भगवत कथा में ही। जब उन्होंने प्रश्न की फिर उन्होंने द्वापर युग की कथा सुनाई, पर द्वापर युग में भी किसकी भगवत कथा से किसकी कल्याण हुई है, राम कथा से किसकी कल्याण हुई, बोले किसकी कल्याण हुई। तब उन्होंने उन्होंने कथा सुनाए, तब उन्होंने एक कथा सुनाए, कहते चंद्रवंश में एक राजा हुए जिनका नाम था सुमति और पत्नी का नाम थी सत्यवती। सुमति और सत्यवती ये चंद्रवंश में राजा, उस समय ये जो राजा थे ये चक्रवर्ती राजा थे, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर में ये राजत्व कर रहे थे। लेकिन ये राजत्व करते हुए भी ये क्या करते थे, नित्य हर समय ये वाल्मीकि रामायण को पढ़ते थे, सुनते थे। हर समय वाल्मीकि रामायण पढ़ना सुनना, ये जो जो अष्टजाम है वो अष्टजाम हर समय भगवत कथा, भगवत कीर्तन, भगवत नाम है। इसलिए जब भी अष्टजाम हर समय भगवत भजन में लगे रहते थे, और राजा स्वयं बैठ करके ये वाल्मीकि रामायण पढ़ता था और रानी बैठ करके ये कथा सुनती थी। एक दिन विभान नाम का ऋषि इनके राज्य में अपना शिष्य प्रशिष्य को लेकर कभी आए। जब आए उन्होंने देखा ये देश का राजा रानी, लेकिन होते हुए भी अगर जिसको पास में ज्यादा पैसा होगा ना भगवान का भजन करेगा, भगवान में भक्ति नहीं करेगा। इसलिए कुंती क्या कहती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी रतमान मत अपमान। कहते प्रभु ये चार तरह का व्यक्ति तेरे भजन नहीं करेंगे, जिसको उच्च कुल में जन्म हो जाए, जिसको पास में ज्यादा सब पैसा आ जाए, जिसका थोड़ा चमड़ा थोड़ा सुंदर हो जाए, और जिसको थोड़ी सी ज्यादा विद्वता हो जाए, थोड़ी सी ज्यादा डिग्री मिल जाए, बोले चार व्यक्ति बड़ी बड़े अभिमान होते हैं, ये तेरा भजन नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने देखा पूरा चक्रवर्ती राज, एकदम चक्रवर्ती राजा होते हुए भी वो कर रहे हैं क्या, अष्टजाम ठाकुर जी की सेवा पूजा, और हर समय ये वाल्मीकि रामायण और पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, राजा बैठ करके बोलते हैं और रानी बैठ करके सुनते हैं अष्टजाम। ये राजा ये ऋषि को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले देखो तो उन्होंने पूछा ये बताओ आपकी जीवन जो चर्या है, कभी ये बड़े बड़े संतों के जीवन में भी दिखाई नहीं पड़ता है, बड़े बड़े संतों के जीवन में भी 24 घंटा 24 घंटा, और पृथ्वी का राजा होते हुए भी भगवान की कथा सुना भजन भक्ति में ये बड़े बड़े संतों के जीवन में भी दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन आप गृहस्थ, फिर गृहस्थ नहीं फिर पृथ्वी का, पृथ्वी को पूरे राज्य तो कर रहे हो, फिर आपके अंदर में इतने रामायण का प्रति इतना प्रीति कैसे, कैसे आपके अंदर में भावना आई। इतने में स्वयं महाराज कहते बोले देखो महाराज अभी तक ये बात मैंने किसको बताया नहीं, क्योंकि नियम है अपना भजन तथा ना कहवे चथा तथा, अपना भजन की बात सब व्यक्ति को नहीं बोलनी चाहिए। जैसे कोई बढ़िया आपने कोई स्वप्न देखा है, कोई बढ़िया आपने स्वप्न देखा, भगवान की बड़ी प्यारी स्वप्न देखा, गुरु जी की बड़ी सुंदर स्वप्न देखा, ऐसे नहीं जिसको पारो बोलने लग जाओ अरे हमें ऐसे स्वप्न देखा ऐसे स्वप्न, नहीं सब व्यक्ति को नहीं बोलनी चाहिए। किसको बोलनी चाहिए, जिसको बोलने पर वो हमारी भाव वो समझेगा और हमें और भजन में ज्यादा उत्साहित प्रेरणा देगा। अगर ऐसे व्यक्ति को बोल दिया अरे ये सब बेकार बात है, स्वप्नों को कोई सच्चा होता है, ये सब बेकार बात है, सब स्वप्नों को सच्चा होता है, फिर क्या होगा तुम्हारी जो भक्ति भावना है ना वो घट जाएगी, घट जाएगी, बढ़ेगी नहीं। इसलिए कहते अपना भजन कथा ना कही रहे जथा तथा, उन व्यक्ति को करनी चाहिए बोलनी चाहिए जो हमें आगे उत्साह दे प्रेरणा दे। इसलिए उन्होंने बोले ये बात को मैं अंदर में छुपा करके रखा था, लेकिन नियम क्या है बोले संतों के सामने अगर कोई संत पूछे उनको नहीं सामने नहीं छुपानी चाहिए, उनको पास में बोल देनी चाहिए। तब उन्होंने बताए बोले मैं एक जातीश्वर हूँ, जातीश्वर का मतलब होता है जिनको पूर्व जन्म की बात याद रहे, बोले मेरे चार जन्म की बात याद, बोले चार जन्म की, बोले हाँ, बोले कैसे, बोले मैंने चार जन्म से पहले मेरा नाम था है मालती, मैं बड़ा दुष्ट था, ऐसे कोई पाप कर्म नहीं जो पाप कर्म मैंने नहीं किया, दारू पीना, जुआ खेलना, शराब है,
मांस खाना, चोरी करना, गुंडागर्दी करना, हर तरह का मैंने पाप कर्म किया। मेरे परिवार लोग मेरे को देख कर घर से उन लोगों ने निकाल दिया। जब निकाल दिया, मैं ऐसे भटकते भटकते एक दिन से वशिष्ठ जी के आश्रम पर मैं पहुंचा। बड़ा सुंदर देखा, देख करके मैं उसको पास में ही एक शिला के ऊपर में एक सुंदर कुटिया बना कर रहा, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर हिरण मिलेगी और खाने को मिलेगा, इसलिए इसी लोग से मैंने वो आश्रम के पास में रहा और वहीं पर रह करके अपना जीविका निर्वाह कर रहा था। हिरणों को पकड़ कर खा लेता था, जब मिलता नहीं कहीं फल फूल खा करके अपना जीविका निर्वाह करता था। मेरी जो पत्नी जिसको सत्यवती कहते, इसका नाम थी काली, ये भी बड़ा दुष्ट था। उसने तो एक दिन अपना पति का ही सर काट दिया। इसके घर वाले भी इसको घर से निकाल दिए। जब निकाल दिए, ये भी ऐसे भटकते भटकते वो कैसे मेरे आश्रम पर पहुंचा। वो थी क्या बोलते, भील है, वो भील घर की वो कन्या थी है, वो थे भील है। कहते भील घर की मतलब सबर, कहते ये सबर घर की, ये थी सबर घर की कन्या थी। अभी वो भी घूमते घामते मेरे पास में आकर पहुंचा तो हमने देखा अकेला हमारा जीवन नहीं बीत रहा है। फिर हम दोनों ने इकट्ठे दोनों में रहने लग गए, पति पत्नी भाव से हम दोनों रहते थे और जानवर को मार कर खाते थे। जब नहीं मिलता था फल मूल आहार करके हम जीवन बिताया। लेकिन ऐसे करते करते हम दोनों जब एक वृद्ध हो गए, उसको बाद में कच्चा पत्ते खा खा करके हमने जीवन बिताया। बड़े दिन तो कच्चा केवल पत्ते खा खा करके, क्योंकि वृद्ध हो गए अभी हिरणों को पकड़ नहीं पाते, कच्चा पत्ते खा खा कर हमने जीवन बिताया। एक दिन क्या हुआ, हमने देखा एक दिन ये वशिष्ठ जी के आश्रम में कुछ लोगों को इकट्ठे होते हुए, हमने कहा भैया कोई भंडारा भंडार होता होगा, हम भी वहां पर गए। गया था यही समय रामनवमी में आ रही ना, 9 दिन बाद में रामनवमी में आएगी, इसलिए था ठीक यही समय था। वहां पर हमने सुना यहाँ पर भगवान की राम की कथा 9 दिन तक कथा होगी, और तो हम छोटे जाति के थे और वहां पर तो बड़े बड़े साधु लोग बैठते थे, इसलिए जैसे देखना छोटे लोग क्या करते हैं, छोटे जाति के वो बाहर बैठते हैं, वो लोग बाहर बैठते हैं, हम लोग भी बाहर बैठी करके वहीं से कथा सुनी। कथा को बाद में फिर वहां पर प्रसाद हुई, प्रसाद होने पर जैसे सब लोग प्रसाद पाने पर फिर क्या करते हैं, जो बाहर बैठे हुए व्यक्ति को प्रसाद हम लेकर के बाहर बैठे हुए व्यक्ति को देते हैं। संत लोग तो दयालु होते हैं, चाहते हैं भगवान के प्रसाद सबको मिले, सबका कल्याण हो। कहते संत लोग दया करके जब देखा हम दोनों बाहर बैठे हुए हैं, बैठे हुए तब उन्होंने हमें भी संत लोगों ने कृपा करके भगवान राम के प्रसाद दिए। हमने पूछा ये कब तक ये चलेगी, बोले ये 9 दिन तक चलेगी। बोले 9 दिन तक चलेगी ऐसे, और 9 दिन तक कथा के बाद में खाना मिलेगा, बोले खाना मिलेगा। हमने ये खाने लोभ से प्रसाद लोभ से कहते भैया अभी तो 9 दिन तक कोई खाना ना खाने पीने का तो कोई झमला नहीं। इसी लोभ से हमने क्या क्या करते थे, संत लोग जहाँ बैठते थे बाहर बैठ करके हम भी भगवान राम की कथा सुनते, और कथा के बाद में हम भी प्रसाद पाए। लेकिन जब कुछ दिन बाद में हम दोनों को मृत्यु हुई, मृत्यु होने पर हमें चमदूत पकड़ करके ले गए, और वहां पर जब महाराज चित्रगुप्त को पूछे खाता खोलो क्या उन लोगों ने पाप और पुण्य किया, बोले ये दोनों ही दुष्ट हैं, ये तो इतना पाप कर्म किए दोनों, एक तो पति को हत्या की, दूसरे ने हर तरह का उसने गंदा काम किया, सारे पाप कर्म किया। बोले देखो थोड़ी बहुत कुछ पुण्य भी तो होगा, बोले हाँ पुण्य है, वशिष्ठ जी के आश्रम में राम की कथा हो रही थी, उन लोगों ने केवल 9 दिन तक राम कथा सुनी। जो उन्होंने बोले 9 दिन तक राम कथा सुने, उसके बाद में फिर प्रसाद पाए, संत लोगों ने जो प्रसाद बनाए, संत लोगों ने उनको प्रसाद दिया, बोले बाबा इतना पुण्य किया, 9 दिन तक राम नवमी में कथा, फिर भगवान की प्रसाद, फिर संतों का दर्शन भी की। कहते जब ये बात को सुने ना, हमारे सामने उन्होंने सारे पाप को काट दिए, काट करके उनको हमें ये रमा वैकुंठ में भेज दिया, और रमा वैकुंठ में हम लोगों ने दोनों ने 100 साल तक सारे विषय वहीं पर भोग किया। जो
जिंदगी में तुमने कहा नहीं था। उसको बाद में फिर ब्रह्मलोक में भेजा, 100 साल वहां भी सारे ब्रह्मलोक का ऐश्वर्य भोग किया। उसको बाद में फिर हम दोनों को फिर भेजा स्वर्ग लोक में, फिर इंद्र इंद्राणी बन करके वहां का भी सारे ऐश्वर्य का हमने भोग की। उसको बाद में फिर ये पृथ्वी का राजा बनकर जन्म हुए, पृथ्वी की राजा बनकर के जन्म हुए। अब तो हमारी ठाट बाट देख ही रहे हो। बोले बाबा इतने महत्व राम कथा की है। उसने कहा इसी जन्म के बाद में अगर हमने अनचार में केवल प्रसाद का लोभ से अगर प्रभु राम की कथा सुनने पर इतने फल है, और जो भक्ति पूर्वक राम की कथा सुने, राम का प्रसाद पाए, भगवान की भक्ति करे, फिर उसको क्या फल नहीं होगा। बोले इसको बाद में फिर जगत में फिर हम दोनों जन्म ग्रहण नहीं करें, हम तो इसको बाद में सीधा ठाकुर जी की सांकेत धाम को हम गमन करेंगे। जब उन्होंने ये सब कथा सुने, सुन करके फिर तो विभांड ऋषि को बड़ा प्रेरणा आई, बड़ा प्रेरणा आई। बोले इतने महिमा भगवान भक्ति कथा की, इतना महिमा। बोले हम भी नित्य निरंतर हम भी प्रभु राम की हम भी कथा सुनेंगे। तब से कद विभांड ऋषि भी उनसे प्रेरणा को प्राप्त किया, प्रेरणा प्राप्त करते हुए वो भी भगवत कथा रस में वो भी डूब गए हैं। इसलिए जब नारद जी चतुर्संग की कथा सुनाए करते तब की, बोले ये द्वापर युग की कथा, बोले कलयुग में भी किसको राम कथा सुनकर कल्याण हुआ। सत्य त्रेता द्वापर युग हो गया, द्वापर युग की कथा सुनाए, बोले कलयुग में भी किसकी कल्याण हुई राम कथा सुन के। बोले हाँ कलयुग में भी कथा सुनकर लाभ हुई। बोले आप कृपा करके सुनाओ किसको सब कल्याण हुए। तब फिर उन्होंने चौथी कथा सुनाई राम कथा से कलयुग में किसकी कल्याण हुई। तब उन्होंने बताया बोले देखो जो राम कथा है कहते चार वर्ण और चार आश्रम ये सबको लाभदायी ये प्रभु राम की कथा है। चार वर्ण कौन सा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। कहते अगर ये चार वर्ण अगर ये कथा सुनेंगे चारों का ही लाभ है। और चार आश्रम कौन है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासी। कहते ये चार आश्रम और चार वर्णों का है ये लाभदायी प्रभु राम की कथा सबको कल्याण करने वाले हैं। तब उन्होंने कथा सुनाए बोले एक समय कहते कल्कि नाम को कोई एक व्याध था, बड़ा दुष्ट वो व्याध है ना, देखने में बड़ा भयंकर उसका स्वरूप है, विकरार रूप, जानवर को मार कर खाता था, चोरी गुंडागिरी सारे गंदा काम करता था। एक दिन वो भ्रमण करते करते कहते एक मंदिर था जिस मंदिर का नाम था केशव राय है, क्या मंदिर कहते भगवान केशव राय का मंदिर था। उसमें एक ब्राह्मण निवास करता था जिसका नाम था उत्तक, उत्तक उत्तक नाम का ब्राह्मण, बड़े सदाचारी संपन्न भक्ति और भजन करने वाले और भगवान की सेवा परिचर्या मंदिर में परिचर्या सेवा करता था। और उसको एक दिन वो मंदिर में बैठ करके भगवान की ध्यान कर रहा था, इतने में ये व्याध ने उसी मंदिर में गया, जा करके उसने ठाकुर का सारे गहना को चुराया, फिर मंदिर के ऊपर में चढ़ा, चढ़ करके जो सोने की जो कलश था कलसी को उन्होंने उसको भी उसने उतारा। जो उतार करके मंदिर में आया देखा ये ब्राह्मण उत्तम का नाम जो ब्राह्मण वो मंदिर में बैठे करके ध्यान कर रहा है, तो उसने सोचा ये तो पकड़ लेगा है, पकड़ लेगा मेरे को। उसने किया क्या, उसको मारने के लिए उसको चोटी को पकड़ा और तलवार लेकर उसको मारने के लिए उसको ऊपर में झपट पड़ा, जब झपट पड़ा लेकिन वो तो ध्यान में बैठा हुआ था। जब उसको ध्यान टूटा देखा ये विकराल एक व्याध भयंकर रूप है। बोले भैया क्या बात है, क्या बात, तुम क्यों मेरे को मार रहे हो, क्या क्या हो गया, तुम को है कौन, तुम मेरे को मार रहे हैं क्यों। बोले मैंने चोरी करने के लिए आया था, मैं ठाकुर का गहना और जो सोने की कलसी को चोरी की। बोले मेरे को भैया मार क्यों रहे हो, तुम आए चोरी करने के लिए, अगर चोरी करने के लिए आए तो तुम सोना चांदी लेकर जाओ ना है, फिर तुम मेरे को मार रहे हैं क्यों, तुम मेरे को मार क्यों रहे हो।
जब उन्होंने इतने बात बताए तो इतने में बोले देखो तुम किसके लिए सब चीज चोरी कर रहे हो, बोले परिवार के लिए। बोले परिवार में कोई किसका क्या होता है? कल सुन रहे थे ना, बोलेंगे आप कैसे हो, बोले जब तक जेब में पैसा हो। बोले जगत में कोई किसका नहीं, जिस परिवार के लिए तुम इस चोरी डकैती कर रहे हो, ये अंतिम समय में ये कोई भी तेरे साथ देने वाले नहीं। ये जो कर्म कर रहे हो, कर्म का फल तेरे साथ में जाएगा। ये कर्म का फल बड़ा भयानक है, ये सबके सब तुमको भोगना पड़ेगा। इसलिए अगर ये सुना चाहते लेना चाहते उसको लेकर के जाओ, भैया मेरे को मारने का कोई जरूरत नहीं। जब उसने ये बात को अच्छे तरह से थोड़ा कथा समझाए तो एक में तो भगवान का मंदिर, दूसरे में तो वो भक्त था, लेकिन भक्त का जो स्पर्श हुआ है, हैं देखो केवल भक्त स्पर्श से ही उसका मति बदल गया, उसका मति हैं उसको मति बदल गई। इसलिए हमारे भक्तिवेदन सत्यनारायण गोस्वामी महाराज कहते थे कि जो वैष्णव है, जो शुद्ध भक्ति करने वाले, अगर वो हरि कथा भी नहीं सुना रहे, कथा भी नहीं सुना रहे, केवल उनको पास में बैठ जाओ, क्योंकि उनका जो शरीर से जो भक्ति का जो चिन्मय जो कण है वो निकलती है, केवल उनका शरीर से भक्ति की चिन्मय कण जो निकलती है, केवल उनको पास में बैठने पर ही अपने आप तुम्हारे कल्याण होगा, अपने आप मन शांत हो जाएगा, अपने आप तुम्हारे मन भगवान की भजन में अपने आप लग जाएगा, तुम्हारे भजन में मन। केवल वैष्णव के पास में केवल कथा भी नहीं सुनो, केवल वैष्णव के पास में बैठने पर इतना लाभ है, है? इतना लाभ है। इसलिए इसलिए कहते हैं भगवद्गीता भगवता भागवता और तीर्थ होता स्वयं प्रभु तीर्थ कुर्बंत तीर्थानि सांतस्तेन कदावृतम। कहते वैष्णव लोग क्यों तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ करने के लिए क्यों जाते हैं? बोले तीर्थ में स्नान करने के लिए नहीं जाते, बोले तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए जाते हैं, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए जाते हैं। जब वैष्णव तीर्थ में जाते हैं कहते उनका चरण स्पर्श होते ही जो पापी लोग तीर्थ में आकर के स्नान करते हैं वो पाप को छोड़ करके चले जाते हैं, लेकिन वैष्णव में इतने शक्ति कहते सारे पाप को वैष्णव लोग ग्रहण करके तीर्थों को फिर तीर्थत्व प्रदान करते हैं। कहते किस समय, एक समय प्रभुपाद कहीं तीर्थ करने के लिए प्रभुपाद किसी तीर्थ में गए थे, जब गए थे तीन चार सीढ़ी को ऊपर में प्रभुपाद खड़े हुए थे, हटा देखा उनके साथ में पत्रों को थका देखा, वो पानी अपने आप उफरने लग गया, अपने आप पानी उफरने लग गया, और उफरते 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 प्रभुपाद का चरण को स्पर्श किया, स्पर्श करते फिर धीरे धीरे वो पानी धीरे 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 नीचे उतरने अपने आप नीचे उतर गए पानी। इसलिए कहते केवल वैष्णव है, कहते केवल उसका स्पर्श होते ही इनका मन परिवर्तन हो गया, रोने लग गए, बोले मेरे कल्याण कैसे होगा, मैंने तो एक जगह पर चोरी नहीं बहुत स्थान पर मैंने चोरी की, आप बताओ मेरे कल्याण कैसे होगा। बोले कोई चिंता मत करो, यहाँ पर ये नदी में स्नान करो और यहाँ पर रोज आओ, मैं आपको रोज ये राम कथा सुना करो, 9 दिन तक तुम राम कथा सुना, राम कथा सुनने पर तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा, फिर तुम्हारी उद्धार हो जाएगी। फिर उन्होंने ये कलयुग में उनको 9 दिन तक भगवान की राम की कथा सुनाए, कथा सुना करके फिर उनकी उद्धार हो गई। इसलिए यहाँ पर श्री नारद जी चतुसन को सुनाए कदी ये सत्य त्रेतया द्वापर और कली, कदी ये चार युग में राम की कथा, केवल त्रेतया युग में नहीं, कदी सत्य त्रेतया द्वापर कली चार युग में ये राम कथा, कोई भी कथा सुने तो उनका भी कल्याण भगवान की राम की कथा करते हैं। इसलिए श्री शंकर जी कहते हैं पार्वती अगर मेरे प्रभु की राम की कोई कथा सुनेगा ना, ताही भजन बिनो आन ना जाना, फिर तो राम का भजन छोड़कर और किसका भजन करेगा नहीं। मेरे प्रभु राम की इतने गुण, इतने दयालु भगवान राम की गुण है। तब श्री यहाँ पर उन्होंने बोले जिसको अंदर में 16 लक्षण हो, 16 लक्षण युक्त हो, कहते वो भगवान है। तो कहते वो 16 लक्षण क्या किया श्री नारद जी चतुसन को, ये 16 लक्षण कहते हैं। ये श्लोक है, कहते कौन अस्मिन संप्रति लोके
गुणवान कश्च परिचयवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यम दृढ़व्रतम ब्रह्मचारिण युक्तम सर्वभूतेषु कहित कोहित विद्यते ककः समर्थस्य कश्चैक प्रियदर्शन आत्मवान क जित क्रोध जीतमान कश्च देवास जात रोतस। यहाँ पर बताए भगवान राम के अंदर में कहते 16 गुण भगवान राम के अंदर में है, जिनके अंदर में ये 16 गुण युक्त हो कहते ये भगवान है। तो यहाँ पर इनकी एक दो गुण को यहाँ पर बताते वाल्मीकि जी, एक दो गुण को उनको बताते हैं। कहते उसमें जो एक गुण है कहते सौसल्य, भगवान की सौसल्य अर्थ में जिनके अंदर में ये उत्तम शालीनता है, जो जिनकी क्या और क्या मर्यादा है, और जिनके अंदर में बड़ी दयाशीलता हो कृपाशीलता हो, जिनके अंदर में बड़े दयाशील और कृपाशीलता है। तो यहाँ पर जो उनकी सौशील्य ये गुण को यहाँ पर बता रहे हैं। बोले कैसे, बोले जिस समय भगवान राम जब उन्होंने श्रृंगवेरपुर में पहुंचे, वहां पर है श्रृंगवेर में, वहां पर कौन था, भगवान की सखा निषाद राजा था। जब भगवान राम श्रृंगवेर पर में पहुंचे, पहुंचते ही जब दूर से जब श्री निषाद राजा ने देखा, देख करके भगवान का मित्र लगता है, तब भगवान से मिलने के लिए वहां से दौड़ पड़ा। दौड़ करके जब प्रभु राम के चरण में गिरे, इतने में भगवान राम जो बैठे हुए थे, भगवान राम खड़े होकर के कहते उनको अपना गोद में लिया, उनको आलिंगन किया, आलिंगन करके उनको पास में बैठा है, और बैठा करके बोले बड़े दिनों से तुम्हारे साथ में मेरी भेंट हुई है, हैं तुम्हारे साथ में बड़े दिनों से मैं तरस रहा था, कब तुम्हारे साथ में मेरी साक्षात्कार होगी। और उसी समय में निषादा राजा का जितना परिवार सबके सब वहां पर आए हुए थे, सारे परिवार वहां पर आए हुए थे। तब भगवान राम ने निषादा राजा को बोले बताओ ये जो ये लोग सब कौन है। बोले प्रभु ये सबके सब मेरे परिवार है। तब भगवान राम ने पूछा ये बताओ आपकी माँ कौन है, ये सबके अंदर में आपकी माँ कौन है। बोले जो मेरी माँ है ना, महिला को अंदर में जो सबसे वृद्धा दिख रही है वह मेरी माँ है। भगवान राम इतना सुनते ही खड़े होकर के जैसे कौशल्या को चरण में गिरते थे, उनको प्रणाम करते थे, भगवान खड़े होकर के दौड़ पड़े और जा करके उन्होंने निषाद की माँ के चरण में, कौशल्या माँ के चरण में जैसे प्रणाम करते थे, वैसे जाकर के उनके चरण में भी उन्होंने प्रणाम किया। जब उन्होंने प्रणाम की, भगवान तो बड़े सुंदर है, बड़े प्यार है, बड़े सुंदर है। अभी जब उनके चरण में प्रणाम की, प्रणाम करते ही कहते वो हो गई थी एकदम वृद्धा हो गई थी, लेकिन भगवान राम रूप देख करके उनके स्तन से हैं एकदम वृद्धा हो गई थी, स्तन से दूध चुचाने लग गई है, उनके स्तन से दूध गिरना शुरू हो गई। और वो सोच रही है क्या कभी मेरे ऐसे सौभाग्य होगा, इनको कभी मैं गोद में ले सकती हूँ, कभी मैं इनको लेकर प्यार कर सकती हूँ, कभी मैं इसको हिंदी में क्या क्या करके बल्लैया लेना, बल्लैया ले सकती हूँ। तो क्या बोलते हैं उसको, क्या बताई थी मैं उसको, हाँ बोले जैसे उनका सारे उसको उसको एक कहते उसको हाँ उड़िया मूवी याद नहीं है, इसलिए कहते उनकी जैसे सब जाकर के बच्चे का सर को सूंघते हैं और उसका सर पर ऐसे हाथ लगा कर उसको क्या कहते हैं, बल्लैया। इसलिए कहते कभी ले सकती हूँ उसको, कभी मैं गोद में बैठा सकती हूँ। वो मन मन में ये सोच रही है मेरे क्या ऐसे कभी सौभाग्य होगी। लेकिन भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम में भगवान राम केवल कौशल्या कह के सुमित्रा इनकी गोद में बैठ सकते हैं, और वही उनको स्नेह कर सकती है, सर को सूंघ सकती है, वही प्यार कर सकते, उनको स्तन पान कर सकता है, और कोई नहीं। इसलिए भगवान राम ने सोचा देखो माता जी कोई चिंता मत करो, मैं जब द्वापर युग में कृष्ण अवतार में आऊंगा तब तुम्हारी सारी इच्छाओं को मैं पूरी करूंगा। ये रामा अवतार में नहीं, फिर तो क्या हुआ,
वही जो निषाद की जो माँ थी, फिर द्वापर युग में क्या बनकर के आया, कहती है फल विक्रियाणी बनकर के आया है, यही फिर ये फल विक्रियाणी बनकर के आई। और भगवान कृष्ण ने क्या की, वो फल विक्रियाणी है जब फल लेकर के आई और जोर जोर से पुकारी, फल लेगा कौन फल, तो कृष्ण ने क्या किया, हाथ में गेहूं उठा करके जब लेकर के गए, गेहूं उठा कर लेकर गए और जाते जाते सारे रास्ता में सारे गेहूं तो गिर पड़ा, गेहूं तो हाथ में है ही नहीं, दो दिन गेहूं थी उनको टोकरी में डालते ही गेहूं नीचे चला गया, बोले मेरे को फल दे दो। वो कहती है भैया मैं तो तेरे को फल दूंगी, लेकिन तू तो पहले मेरे को कुछ दो तब तो मैं तेरे को फल दूंगी। बोले तू तो नई बात कह रही हो, जब मैं किसी गोपियों के घर में जाता हूँ वो तो मेरे बड़े प्रेम से गोद में बैठा करके मेरे को मक्खन मिश्री और दही खिलाती है, कुछ मांगती नहीं, तो नई बात कर, मेरे को कुछ दो फिर दूंगी। बोले दे, मैं भी तेरे को फल तो दे दूंगी, लेकिन एक बार मेरे गोद में बैठ जा, बैठ करके मेरे को एक बार तू माँ बोल दे, फिर मैं भी सारे फल तुम्हें दे दूंगी। अभी कृष्ण सोचने लगे, बोले बैठूंगी बैठूंगी नहीं बैठू। है फिर कृष्ण क्या सोचने लग गए, ये कौन है पूर्व जन्म में, ये निषाद की माँ थी, निषाद की माँ थी, उसी समय में इसकी मन में इच्छा हुई थी, क्या इच्छा हुई थी, ये कभी मेरे गोद में क्या बैठेगा, इसको मैं क्या कभी स्नेह करूंगी, है कभी क्या मैं कभी स्नान पिलाऊंगी। अब इसको याद करते हुए कृष्ण ने देखा यहाँ आस पास में कोई है नहीं, तो आस पास में क्योंकि गोपियां तो मेरे को वैसे ही हंसी दिल लगी खिली उड़ाती है, अगर इसको गोद में बैठ जाऊंगे तो फिर वो क्या बोलेंगे। फिर कृष्ण इधर उधर देखे, देखा फिर कोई नहीं, फिर कृष्ण ने क्या किया, उसकी गोद में कृष्ण बैठे। फिर कृष्ण बैठते ही उसका तो रोम रोम खिली उठी, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग गई है। फिर तो उन्होंने क्या की, फिर बैठ करके बोले मैया मेरे को फल दे, मैया मेरे को फल दे, बोल कर कृष्ण खड़े हो गए। फिर उन्होंने क्या की, फिर कृष्ण को सारे फल दे दिया। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि तो मेरे जो प्रभु है ना, इतने दयालु ये प्रभु जी हैं, कहते सबको ऊपर में दया करने वाले मेरे प्रभु राम है। दूसरा गुण कहते हैं, कहते जो बिरजवान और उनका अंदर में प्रिय दर्शन, राम का अंदर में प्रिय दर्शन तक उदाहरण देते हैं। कहते प्रिय दर्शन, जिस समय रामचंद्र वनवास गए थे और जिस समय सुपर्णखा आए, सुपर्णखा ने जब भगवान राम रूप को उन्होंने देखा, क्या अद्भुत सुंदर राम है, कितने सुंदर राम, उसने तो मन मन में, रामायण देखे हो ना, रामायण देखे हो, वो मन मन में ही राम को ही अपना पति मान लिया है, राम को ही उन्होंने अपना पति मान लिया। पति मान करके उन्होंने फिर बड़ी सुंदर रूप धारण करके आए, आ करके जब उन्होंने राम को शादी करना चाहती थी, लक्ष्मण ने क्या की, उसका तलवार से उसका नाक कान को काट दिए। बोले लक्ष्मण उसका नाक कान क्यों काट दिए, कारण क्या है, बोले लक्ष्मण कौन है, कहते लक्ष्मण कौन है, कहते लक्ष्मण ये आचार्य है, ये लक्ष्मण श्री गुरुदेव है। बोले गुरु का काम क्या है, बोले शिष्य को उपयुक्त बना करके ठाकुर जी की सेवा में लगा। लक्ष्मण समझ गए ये अपना हृदय में प्रभु को बैठा चुकी है और भगवान भी उसको हृदय में बैठा चुके हैं, लेकिन जो राम का एक बार बन गया ना, फिर और किसका बननी नहीं चाहिए, इसलिए लक्ष्मण क्या किया, उसका नाक कान को काट दिए। तब जगत में जितने सुंदर क्यों नहीं हो, जिसका नाक कान काट दो ना, दुनिया में इसको कोई फर्क नहीं पूछते। और दूसरी चीज ये है, कहते सीता को उसने क्या माना, सीता को उस क्या सोच रही थी, जब उसने राम को बोले शादी करो, राम ने कहा मेरे पास में तो सीता ऑलरेडी है, हाँ सीता ऑलरेडी है, इतने में देखा लक्ष्मण आया, हाँ लक्ष्मण आया, देखो वो भी कम सुंदर नहीं, बोले ये कौन है, बोले ये मेरे छोटे भैया है, बोले इसको साथ में पत्नी क्या है, बोले अभी तो पत्नी है नहीं, बोले इससे मैं शादी कर सकती हूँ, बोले तेरी जैसे मनमानी को कौन रोक सकते, पूछ करके देख लो। फिर उसने लक्ष्मण को भी उन्होंने बोले, लक्ष्मण बोले तुम ये बताओ, तुम रानी बनना चाहते हो ना दासी बनना चाहती हो, बोले मैं तो रानी बनना चाहती हूँ।
बल्कि मैं प्रभु का दास हूं। अगर मेरे से सेवा करोगे तो जिंदगी भर तुमको दासी दासों तो करना पड़ेगा, कहां रानी बनने की स्वप्न देख रहे हो। बोले जाओ फिर राम के पास में आए। लेकिन फिर जब राम स्वीकार नहीं किया, उसने क्या देखा? बोले ये सीता जितने गड़बड़ी का कारण है, सीता जितने गड़बड़ी, इसलिए इसको ही खा जाओ। इसलिए जब सीता को खाने के लिए कहीं लक्ष्मण नाकान काट दिए, तब यहां पर कह रहे बोले सीता कौन है ये, सुपर्णखा क्या कर रही है? बोले भगवान राम को प्राप्त करना चाह रही है, भगवान राम को प्राप्त करना चाह रही है। लेकिन राम का प्राप्त कैसे होगा? जैसे कहते ना भक्त मनोहर ठाकुर कहते हैं, बोले राधा भजने जति मति नाही बेला, कृष्णा भजना तब अकारण गेला, के बल माधव बुझयो सुप्या किसको मिलते हैं? बोले राधिकार दास जदि हय अभिमान शीघ्र मिलाए तब गोकुल गान हैं। और केवल माधव पूजे सो अज्ञानी, जो अकेले माधव को पूजा करते वो अज्ञानी है, और राधा अनादर करे अभिमानी। लेकिन ये सुपर्ण का क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? राम को तो पाना चाह रही है, लेकिन सीता को क्या करना चाह रही है? सीता को मारना चाह रहे, खाने के लिए चाह रही है, खाने के लिए सीता को खाने के लिए चाह रहे हैं। भाई जब तक भैया सीता की जब तक कृपा नहीं होगी ना सीता की भैया, तब तक राम मिलने वाले नहीं। लेकिन ये क्या करना चाह रहे थे? सीता को हटाना चाह रहे थे, सीता को हटाना चाह रहे थे। इसलिए लक्ष्मण ने क्या किया? उसका नाक कान को काट दिया। इसलिए यहाँ पर कहते जो ये वाल्मीकि रामायण कब लिखी है, इसी विषय पर कुछ कुछ लोगों का कोई कहते हैं इससे 10,000 साल पहले लिखा हुआ था, अलग अलग बात। लेकिन कहते हैं बोले नहीं, कहते ये तभी ये रामायण लिखी गई जब वाल्मीकि आश्रम में माता सीता जी आए, तभी वाल्मीकि ने वहां पर रामायण तभी कहते वहां पर तभी रामायण लिखे हैं। क्योंकि जब तक सीता की कृपा नहीं होगी तब तक प्रभु राम की कथा को ही लिख नहीं सकते। इसलिए जब माता सीता जी, माता राम ने सीता को जी को भेज दिए, बोले सीता जी की कृपा से ही तुम ये रामायण को लिख सकते हो। जब उसकी नाक कान काट दिए, अभी वो कहां पर गई? घर दूषण के पास। जब उसने घर दूषण के पास में गई, इतने में जब घर दूषण ने देखा, बोले तुम्हारी ये विरूप तुमको किसने किया है? तुम्हारी ये रूप को नाक कान किसने काटी है? हैं, नाक कान काटी किसने है? लेकिन कहते देखो राम का जो सौशल्य, पर राम के अंदर में जो प्रिय दर्शन है, कितने प्रिय दर्शन है। जो व्यक्ति नाक कान काट देगा उसको बाद में आप जाकर उसको निंदा करोगे ना, उसको तो निंदा करोगे ना, बुराई करोगे। लेकिन यहाँ पर देखो वो सुपर्ण का जाकर के हैं, ये हर दूसरों को क्या कह रही है? कहते तरुणम रूप संपर्णम सुकुमार महाबलो पुंडरिक्ष विशालाक्ष चिरा कृष्ण पीताम्बर। कहते उसकी जब उन्होंने राम इतने सुंदर राम थे, जब सुपर्ण का राम रूप को चिंता की, वो खर दूसरों के पास में उसकी बदनामी क्या करेगा, उसका बदनामी क्या करेगा? ऐसे ऐसे दुष्ट थे और हमारे नाक कान काट दिए, वो कह रहे किसने तुम्हारे नाक कान काटी? लेकिन ये उसको बुराई किया, उनको गुणगा रहे, उनको गुण गा रही है, उसका मुंह से बुराई नहीं निकल रही है। क्योंकि प्रभु इतने सुंदर थे, इतने कोमल और ऐसे प्रिय दर्शन, कहते जो भक्त लोग के लिए तो प्रिय है ही है, लेकिन जो अभक्त भी अगर प्रभु रूप का चिंतन करे, अभक्त भी वो भी भगवान को प्रिय रूप में दर्शन करते हैं। तो क्या कहते बोले तरुणम, दोनों देखने में एकदम किशोर उम्र गए हैं, दोनों देखने में एकदम किशोर है, एकदम किशोर उम्र में। बोले तरुणम, बोले रूप संपर्णम,
कितने सुंदर रूप थे, रूप संपूर्णम अद्भुत रूप है, अद्भुत राम लक्ष्मण अद्भुत, बोले रूप संपूर्णम इतने सुंदर रूप थे, बोले सुकुमार है, अत्यंत सुकुमार है देखने में, बड़े सुकुमार। उसके बाद में बोले महाबलो, कहते जो सुकुमार है ना वो कभी महाबलवान नहीं हो सकते, वो कह रहे हैं देखने में तो बड़े सुकुमार हैं लेकिन उसको साथ साथ में भी बड़ा बलवान है, बड़े बलवान है। उसको बाद में बोले पुंडरीक विशालाक्ष है, कहते उनको जो है उनको जो आग है कैसे है, विशाल आग है उनकी आग कैसे, बोले पुंडरीक उनको जो आग है ना कमल आग है, इसलिए कहते हैं ना नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिनी नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्र, भगवान की सब कमल है, बोले कमल को साथ में नेत्र कमल हस्त कमल चरण कमल नाभि कमल है मुख कमल सब कमल, कमल को साथ उदाहरण दिए, बोले क्यों, बोले कमल फूल देखने में बड़ी सुंदर है, आंखों को बड़ा है, आंखों को बड़ा है क्या कहता है आनंद देता है, इसलिए कहते हैं उनको जो आग है ना कमल आग जैसे बड़ी सुंदर है। और पीताम्बर बड़े सुंदर, पीताम्बर और नीलाम्बर बहने भी बड़े सुंदर देखने में, ये बड़े सुंदर ये दोनों भैया थे। फिर कैसे बोले फल, कहते फल मुला सिनौ तांतौ जितेंद्रिय तपसौ ब्रह्मचारिणौ, कहते और कैसे थे, बोले तुम लोग जैसे हम कहते ना मांस मांस खाने से क्या होता है शरीर बढ़िया होता है, कहते तुम लोग जैसे मांस मांस खाने वाले नहीं, कोई कहता ना मांस मांस खाने से बड़े सुंदर शरीर होता है, वे नहीं ये फल मूल खाने वाले, लेकिन ये फल मूल खा करके भी इतने सुंदर थे हैं, इतने सुंदर रूप थे, तुम्हारे जैसे मांस भोजी नहीं हो, फल मूल खा करके इतने सुंदर थे फल मूल। फिर बोले जितेंद्रिय हो, बोले जितेंद्रिय की ब्रह्मचारी हो, उनको कहते जितेंद्रिय ब्रह्मचारी, बोले क्यों, बोले अब रामायण तो देखे उसने जो रूप धारण करके आए थे सुपर्ण खाने, जब राम को उसने बोला देखो है, राम को कह रहे थे देखो कहते मैं जैसे सुंदरी है ना, मैं जैसे सुंदरी तुमको भगवान वैसे सुंदर बनाया, मतलब तुम मेरे जैसे भी सुंदर नहीं, वो सुपर्ण का कह रहे नहीं है, है? इसलिए कहते देखो मैं जितने सुंदरी है, मैं जैसे मेरे को जैसे इतने सुंदर बनाए, बोले भगवान तुमको भी ऐसे सुंदर, मतलब मेरे जैसे सुंदर तुम नहीं हो, ये बताना चाह रही है, हैं मेरे जैसे सुंदर नहीं, मतलब इतने उसने सुंदर रूप धारण करके आई थी। और उसने हाव रामायण देखे ना, हाव भाव कटाक्ष, मतलब हर तरह से इतने सुंदर थे, उनके हाव भाव कटाक्ष बड़ी बहुत उसने कोशिश की उनके मन को विचलित करने के लिए, बहुत उसने कोशिश की लेकिन उनका मन किसी तरह से विचलित नहीं हुआ, इसलिए वो कह रहे हैं बोले तापसो ब्रह्मचारी नो है, बोले ब्रह्मचारी जो जीतने वाले हैं है, और जितेंद्रिय बड़े जितेंद्रिय है, बड़े जितेंद्रिय ये, इसलिए कहते देखो ये जिसका नाक काट काट दिए, कहा निंदा करेगी, कहा निंदा क्या करके जब राम रूप देखती है ना वो पूरा भूल जाती है, मैं क्या बोल रहे हो नहीं बोल रही हूँ वो भूल जाती है, इसलिए कह रहे हैं भगवान प्रिय दर्शन, कहते भक्त लोग तो उनको प्रिय दर्शन करते हैं लेकिन जो दुष्ट भी है ना उनका जो शत्रु भी प्रिय दर्शन करते हैं। फिर उदाहरण देते हैं बोले जिस समय ये तोरा भैया का नाम क्या था, घर और दूषण, अभी घर दूषण गए बोले मेरी बहन की नाकान काट दिए, हम दिखा देंगे उनको, हम दिखा देंगे, जब वो दोनों गए, दोनों जाकर के जब मन वहां पर गए तब ये गोस्वामी तुलसीदास वहां पर कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं जत्य चत्यपि भागिने केने कुरोपा जत्यपि भागिने केने कुरोपा बाधा लायक नहीं पुरुष अनोपा लायक नहीं पुरुष अनोपा यद्यपि भागिने
जिसने तुम्हारी बहन की नाक कान काट दी, हैं, नाक कान काट दी, और घर दूसरे जाने से पहले क्या हुआ, उसको पहले उसने कितना 15-16 सैनिक को भेजा था, बोले जाकर के बोल दो अस्त्र शस्त्र को चरण में डाल दो, माफी मांग लो, तुमको दया कर लेंगे। लेकिन भगवान के नाम ने क्या एक बाण भी उनको खत्म कर दिया है। जब बहन का नाक कान काटे, सबको सैनिक को मार डाले, लेकिन ऐसे करने का बावजूद भी जब भगवान राम को दर्शन करते हैं, वो कह रहे भैया यद्यपि भगिनी की कृपा, यद्यपि हमारी बहन की नाक कान काट दिए, लेकिन बद लायक नहीं पुरुष अनुपा, लेकिन तब भी ये बद के लायक नहीं। ये तो हृदय में बैठाने, क्या ये तो इनको हृदय में बैठानी चाहिए, इनको हृदय में बैठानी चाहिए। इसलिए श्री वाल्मीकि कहते हैं, लेकिन वहां पर कहते रावण, रावण राम के साथ में युद्ध करने के लिए कब गया है, जब उन्होंने सबको मार डाले, सारे पुत्र को मार डाले, सबसे प्रिय पुत्र कौन मेघनाथ उसको भी मार डाले, हैं, कुंभकर्ण को मार, सब के खत्म होने के बाद रावण युद्ध करने के लिए गया, प्रभु राम के साथ में युद्ध करने के लिए गया। लेकिन कहते रावण भी जब राम को देखा है ना, रावण भी जब राम को देखा, वहां पर कश्यप प्रिय दर्शन प्राणी के प्रिय ला गई सब कोई राम कृपालु। कहते यहाँ पर रावण कह रहे हैं प्रभु राम को देख करके, है, क्योंकि वो भगवान है ना, सभी के लिए प्रिय है, वो भी देख कर प्रभु राम का मुक्त हो जाता है, बोले इतने सुंदर प्रभु, इतने सुंदर है। लेकिन मारने का बावजूद भी कहते इनको जो प्रिय दर्शन, भगवान सभी के लिए प्रिय है, वो भी उनको प्रिय रूप में दर्शन कर रहे थे। यदि भगवान राम की ये एक दूसरा गुण, कहते उनका जो तीसरा गुण है, कहते उनका जो तीसरा है, कहते सबको ऊपर में ये कृपा करने वाले, सबको ऊपर में ये कृपा करने वाले, बोले किसको ऊपर में, कहते विभीषण जैसे, कहते विभीषण जिस समय विभीषण ने, विभीषण जब उनको पास में रावण को समझाने के लिए गया, बोले देखो भैया हम पुलस्तर वंश के हम वंशधर हैं, पराई स्त्रियों को अपहरण करना ये हमारी धर्म नहीं, ये माँ सीता लक्ष्मी जावा प्रभु राम की शरण में देता, प्रभु राम को देकर के आ जाओ। लेकिन उसने क्या किया, विभीषण को लात मार दी, लात मारा तो उसने लुढ़कते 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 नीचे आकर गिरा, जब नीचे आकर गिरा उसने अपना मुकुट को रख करके, उसने मुकुट को रख करके उन्होंने प्रभु राम की शरण में आया। जब प्रभु राम की शरण में आए, उस समय जब राम की शरण में विभीषण आ गया, राम शरण में आने पर इतने में रामचंद्र ने क्या किया, रामचंद्र ने क्या किया, उनको राज तिलक लगा दिया, राज तिलक लगा दिया, बोले आज से तुम लंका का राजा। तब यहां पर कह रहे हैं बोले जिस लंका को प्राप्त करने के लिए रावण ने उसका नाम दशानन है, दशानन क्यों नाम पड़ा, उसने सर्व 10 बार काट करके शंकर जी के चरण में चढ़ा दिया था, 10-10 बार अपने शरीर को काट करके उसने रावण को चरण में दिए, शंकर जी के चरण में चढ़ाया उसने। और जो सोने की लंका को प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया, सोने लंका प्राप्त करने के लिए उन्होंने कितने कठोर उसने तपस्या की, स्वर्ण लंका प्राप्त करने के लिए, ऐसे सोने की लंका उसको नहीं मिली, बहुत कठोर उसने परिश्रम की। लेकिन यहाँ शिक्षा देते हैं, लेकिन जब एक बार विभीषण ने क्या किया, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, केवल एक बार आया और राम का चरण में एक बार सर झुका दिया, इतना ही कर दिया और कुछ नहीं। और उसी समय जब सर झुका दिया, प्रभु राम ने राज तिलक लगा दी, जब उन्होंने आए इतने में सबके सब मना कर रहे थे, सबके सब मना कर रहे थे, बोले प्रभु क्या कर रहे हो आप, प्रभु ऐसे मत किया करो, ये कल सवेरे युद्ध होने वाले, सवेरे कल युद्ध होगा, और ये कौन अधिक साधारण व्यक्ति होता तो बात छोड़ो, ये शत्रु का छोटे भाई है, पता नहीं ये राक्षस लोगों को समझना बड़ा कठिन है, पता नहीं कौन सा गुप्तचर रूप में आया और सुई बन करके पाल बन करके निकलेगा, इसलिए प्रभु जी इसको एकदम स्थान मत दो, कोई भी राजी नहीं हुए स्थान देने के लिए, कोई भी राजी नहीं हुए स्थान देने के लिए। जब कोई भी राजी नहीं हुए, इतने में उन्होंने हनुमान जी से पूछा,
बोले हनुमान जी बताओ, तुम बताओ क्या करनी चाहिए। तब हनुमान केवल बोले प्रभु मैं जब गया था लंका में देखा क्या बोले इसकी घर के ऊपर में आपका नाम लिखा हुआ था और देखा शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह और इन्होंने हमें माता सीता की जो पता केवल इन्होंने ही मेरे को बताया इसलिए मैंने देखा ये भक्त है। लेकिन भगवान राम उस समय कह रहे हैं उस समय कह रहे हैं कोई सब कुछ मना कर दिया कोई भी चरण में स्थान मत दिया करो। भगवान राम कह रहे हैं बोले देखो रावण को मारना मेरे लिए कोई बड़ी भारी बात नहीं है। कहते वो तो चुटकी बजाते ही कहते जस्य प्रभा प्रभवत जगदंड कोटी कोटी सु अशेष वसुधात विवित वृंदावन। कहते जिनकी केवल एक इशारा पर अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड में सृष्टि स्थिति प्रलय हो जाते हैं। रावण को मारना भगवान के लिए कोई बड़ी भारी बात थोड़ी, वो तो लीला कर रहे हैं, वो चुटकी बजाते ही सब ध्वंस कर देंगे। लेकिन भगवान उसी समय कह रहे हैं उन्हें सप्त सिंधु को साखी कर गए सप्त सिंधु को साखी कर क्या कह रहे हैं बोले सकृत एव प्रपर्णा जस तबा स्मित जाचते अभयम सर्वदा तस्मयी तथा ददा प्रथम। ये मेरी व्रत है क्या व्रत है अगर सकृत एव प्रपर्णा अगर एक बार कोई हृदय से बोल दे मैं भगवान का हूं मैं राम का हूं केवल एक बार बोल दे तो भगवान क्या कहते हैं ये मेरी व्रत है अभयम सर्वदा तस्मयी उसको मैं हर समय अभय प्रदान करता हूँ ये मेरी व्रत है ये मेरी व्रत है। जब उन्होंने राज तिलक लगाया किसकी विभीषण को इतने में वहां पर था सुग्रीव बोले प्रभु क्या कर रहे अभी तक रावण को अपन मारा ही नहीं रावण को मारा ही नहीं अब रावण को मारने से पहले राज तिलक लगा के तो राजा बना दिया। अगर रावण 1% भी है अगर 1% अगर रावण आपका शरण में आ गया तो फिर क्या करोगे। भगवान तो सत्य संकल्प है ना जो एक बार कर देते हैं उसको राज तिलक लगा दिया अगर उसको राजा बना दिया अब तो सत्य सत्य संकल्प हो अगर रावण अगर 1% आ गया तो फिर क्या करोगे क्या करोगे फिर आप। भगवान क्या कहते हैं बोले कोई चिंता नहीं फिर बोलते लगा था आप दे रहे हो विभीषण को दे रहे हो फिर क्या करोगे बोले मैं अपना अयोध्या धाम दे देता रावण को मैं अपना अयोध्या धाम दे देता। बोले अयोध्या धाम रावण को दे दोगे अभी तो अयोध्या के ऊपर भरत को देख के आए अभी भरत उसके ऊपर राज्य तो कर रहा है फिर भरत को क्या करोगे बोले भरत को मैं अपना साकेत धाम दे देता अपना दिव्य वैकुंठ साकेत धाम दे देता। बोले रावण को दे दिया विभीषण को दे दिया लंका रावण को दे दिया अयोध्या और भरत को दे दिया संकेत धाम फिर आप कहा रहोगे फिर आप कहा रहोगे आपके लिए तो कोई स्थान चाहिए ना। भगवान कहते मेरे लिए कोई स्थान की जरूरत नहीं मत भक्ता जत्र गायति तत्र तिष्ठामि नारद। बोले नारद जहां पर मेरे भक्त लोग मेरे गुणगान करते हैं मैं केवल वहीं रहता हूँ और भक्तों का हृदय ही मेरा स्थान है। मतलब कहते भगवान राम इतने दयालु भगवान राम इतने कृपालु भक्तों के लिए सब कुछ नौचावर करने के लिए और संपूर्ण रूप में नौचावर करने के लिए तैयार है। इसलिए यहाँ वाल्मीकि कह रहे हैं कहते जो भगवान राम हैं भगवान जो राम हैं कहते बड़े दयालु भगवान राम भक्तों के लिए सब कुछ सब चीज को लुटाने वाले भगवान श्री राम हैं। बोले श्री सियावर रामचंद्र की बोले श्री पवन सुत हनुमान की पिताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। इसलिए यहाँ पर श्री वाल्मीकि कह रहे उनका राम का सोलो गुण है उसने कही एक टीका में उसने हर एक गुण को राम लीला में हर एक एक गुण को उन्होंने दिखाया इनके अंदर में क्या क्या गुण ये संपूर्ण रामायण में उनकी क्या क्या गुण भगवान के अंदर में प्रकटित हुआ पूरा कथा उपटीका में सारी चीज उन्होंने एक एक करके दिखाया अद्भुत दिखाया। हाँ गुरुदेव से गुरुदेव तो कहते हैं अभी तो मेरा इतना याद है उस समय इतना हमारा इतना याद है गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। बल रघुपति राघव
राजा राम पतित पावन सीताराम जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन